नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग ऊष्मा के बारे में। ठीक है, ऊष्मा अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांता और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के ठंड अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके आंसर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म अथवा ठंड, गर्म तथा ठंड। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती है। चाय गर्म, बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़ना है। इस वस्तुओं को गर्म एवं ठंडे रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? आइए कुछ ज्ञात करते हैं। आइसक्रीम आपकी ठंडी है? चाय के प्याले में रखी चम्मच, ये भी ठंडी होगी। फलों का रस ठंडा हुआ, चाय के प्याले में जो डूबी रहेगी चम्मच वो गर्म होगी। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुएं को ना छूएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें। 3 पात्रों में पानी का अनुभव करना। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए। मग ए में ठंडा पानी, मग बी में गर्म पानी, कुछ ठंडा कुछ पानी मिलाकर मग सी में डालिए। अब अपने बाएं यानी कि वाम हाथ को मग ए में, दाहिने हाथ दक्षिण हाथ को मग बी में, और दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों में एक जैसा अनुभव होता है? याद रखिए, ज्यादा गर्म पानी लेकर मत बैठ जाइए, पता चला कि हाथ जल गया। ठीक है, बूझो कि उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंड। हम अपने इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे पता ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीयता माप कर उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति आपकी तापमापी कहलाती है, थर्मामीटर। अब देखिए, इतना थर्मामीटर बताने के लिए ना कि ताप का मापन आपका थर्मामीटर से होता है, इतनी सारी कहानी गढ़ी गई थी सिर्फ इस परिभाषा तक लाने के लिए। तापमापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आप या आपके परिवार में किसी को बुखार आता है तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यानपूर्वक पिक्चर कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टर की थर्मामीटर चित्र दर्शाए अनुसार चित्र बनाना है। यह आपका डॉक्टर की थर्मामीटर।
डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारी तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नदी के बारे में, नली के बाहर पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि आप पारे की यह धारी आपकी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसकी धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर को आपको ताप कम मापने का एक मापक्रम स्केल दिखाई दे। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डिग्री सेल्सियस द्वारा इसे ही हम लोग सेल्सियस डिग्री कहते हैं। वो जो दुविधा में है चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पड़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया और हमें किसी इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम आपका फॉरेनहाइट स्केल यानी कि डिग्री एफ है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर में हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पोती रोधी रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुनिश्चित करता है रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाए। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप होता है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। मैं उन्हें बताया था ना कि साइंस अगर हम लोग कक्षा 10वीं तक की पढ़ते रहे तो डॉक्टर तो बना देगा। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है क्योंकि कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं की अभी तक जो भी हम लोगों ने सब्जेक्ट चैप्टर खत्म करे हैं उसमें आधे डॉक्टर तो बनने की उम्मीद हो ही गई होगी आपकी। आपने अपने शरीर के का तापमान नोट किया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान होता है। ठीक है, जो हम लोग जिसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं या औसत ताप वो कई लोगों के समूह के तापमान को ज्ञात कर एक नॉर्मल मतलब औसत लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूर्ति रोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर टूट सकता है। थर्मामीटर को उपयोग करते समय इसे बल्ब से नीचे नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी गई है।
थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले धोइए और उसके बाद भी, क्योंकि पता है कई डॉक्टर होते हैं झोला छाप डॉक्टर, वो एक ही इंजेक्शन कई लोगों में लगा देते हैं, उसकी सुई भी नहीं बदलते, पता नहीं कैसे। इसी तरह कई नाई होते हैं जो बाल काटते हैं, वो एक ही ब्लेड से कई लोगों के बाल काट देते हैं। चेतावनी, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का माप ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को दूध तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिचय 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस है। प्रयोगशाला तापमापी, हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी है आपका प्रयोगशाला तापमापी। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इस ध्यान से देखिए कि इसमें मापे जाने वाले अधिकतम न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिचय प्रयाग 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग होता है। ये आपका प्रयोगशाला तापमापी, देख लीजिए। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान इस तरह मापा जाता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी के जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के जल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय का जल का तापमान होगा, करंट का तापमान होगा उस समय का। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रयोगशाला में तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली विभिन्न सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन में दीवारों से नहीं छूना चाहिए। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म पानी लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का जल स्थिर हो जाए तो नोट कीजिए। तब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसा जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का जल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या फिर वस्तु उस वस्तु में रखा जिसका तापमान मापना है। ठीक है, याद रहे कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर ही निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर कपड़े से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं?
यह आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग। विभंग का क्या लाभ होता है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है आपका विभंग। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमान डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, आग पर रखते हैं तो तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊर्जा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत जो ठंडी वस्तु होती है उसकी ओर प्रभावित होती है। देखिए, यह छोटे से शब्द की परिभाषा बताने के लिए लंबी चौड़ी एक कहानी गढ़ी गई है। वो इन्हीं कहानियों पर आपको फोकस देना है, ठीक है? अब ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंट के बीच में रखकर दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए। इस तरह मोम के टुकड़े का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह व्यतिक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा पर्याप्त चालन के व्यतिक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से होता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या फिर लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तत्व बर्तन को हाथ से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर प्लास्टिक या लकड़ी का उसमें हत्थी ना लगी हो तो हम लोग जल जाएंगे। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा के पश्चात दूसरे सिरे से छूके देखिए। स्टील की चम्मच धातु पदार्थ किस बनी होती है? धातु की। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ होता है। जो पदार्थ आपने अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें हम लोग ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हो सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें हम लोग ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी आपके ऊष्मा के कुचालक हैं। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल अथवा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होते हैं आइए पता लगाएं। गोल पैने का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे स्थिर रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए जो कुछ आप चित्र में देख रहे हैं। जब जल गर्म करते हैं
तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास ठंडा जल उसका स्थान ले जाता है, जो जल आपका गर्म हो जाता है वो अपने स्थान से हट जाता है, उसके स्थान पर आपका ठंडा जल आ जाता है, इसी तरह गर्म होता है। फिर यही जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम लोग संवहन कहते हैं। इस तरह से वायु से ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऊपर मत रख लीजिए, फिर कहीं जला बैठो। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण, सावधान रहें कि अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि भी जले नहीं। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु का संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी का अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर वायु जैसी गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा सी गर्म होती है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री समीर। ये हम लोग ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत की समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में विक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, इसे हम लोग थल समीर कहते हैं। ये आपका समुद्री समीर हो गया, देखिए ये आपका स्थलीय समीर ठंडा, इस तरह से विक्रम चलता रहता है। समुद्र समीर तथा थल समीर, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हमें तक ऊष्मा कैसी पहुंचती है, या चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है, जो कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई स्थान जैसे वायु नहीं है। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम लोग विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी विक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा जो शरीर है विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाती का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? इसीलिए सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, आप जानते हैं कि गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? आइए इसका भी पता लगाते हैं।
टिन के एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पेस्ट को काला, दूसरे को बाहरी पेस्ट को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल को किताब मापिए। क्या आप दोनों किताब में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म होगा? केवल जल को छूकर ही आप दोनों किताब का अंतर कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, तो इसका तापमान कम होगा, इसका अधिक। किसका? ये आपका ठंड में, यानी कि कम होगा इसका, सॉरी, क्योंकि ये बचाता है, अंदर कमी जाने लगता है, ये आपका गर्मी को अंदर जाने देता है। क्रियाकलाप 10.4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों में लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे का जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान से कम हुआ है? क्या आप इन क्रियाकलापों से याद आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? गहरे रंग के पेस्ट अपेक्षाकृत अधिक गर्म, अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, गहरे जो होते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग को वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होते हैं। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म करने के लिए कोयले या लकड़ी जैसी ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध भी है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है, यह वायु हमें हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके ऊपर करने की छूट है, तो आपको इनमें से किसे चुनने और क्या है? याद रखिए, दोनों कंबल के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे? सेल्सियस स्केल देखा है, चालन देखा है, चालक देखा है, संबंध देखा है, कुचालक देखे, अधिकतम न्यूनतम तापमापी देखा है, ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकरण भी देखा है, ताप देखा है, तापमापी देखा है, थर्मामीटर देखा है, अंकीय तापमापी देखा है, पोतिरोधी देखा है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों की हमारे लिए परिभाषा जरूरी है, और जो क्रियाकलाप दिए गए हैं वो बस पढ़ के निकल जाना है। एक बार आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। ताप मापी वही युक्ति है जैसे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर पर ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिचय 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिचय प्रयास 10 डिग्री सेल्सियस से आपका 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 विक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। ठोसों में पर्याप्त ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित या जाने देते हैं, उसे हम लोग ऊष्मा का चालक कहते हैं।
गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी होती है, इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है। टैब ठीक है, ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा लेना और पीडीएफ डाल दी गई है वहां से डाउनलोड करके लगाते रहिए। आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें शब्द में जो भी आपका अध्याय होते हैं इसमें समझाया गया, क्योंकि हर शब्द आपका इतना नॉर्मल लिखा गया है कि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये था आपका अध्याय 4। अध्याय 5 में देखेंगे हम लोग क्षारक और लवण के बारे में।